श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ गुलगांव केकड़ी भारत के राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा अद्भुत अनूठा तीर्थ क्षेत्र जहां दो बार भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली और दोनों ही बार मिति फाल्गुन सुदी अष्टमी को निकली। प्रथम बार संवत 2026 में और दूसरी बार 46 वर्ष बाद 2016 में। जांच परख के बाद जानकारी हुई कि ये दिव्य प्रतिमाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। जैन समाज के अथक प्रयासों से एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 1 जनवरी 2016 को शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन माटी को 1000 कलशों से भरकर इस क्षेत्र की स्थापना की गई और भूगर्भ से प्राप्त इन अति प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया गया। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी फाल्गुन सुदी अष्टमी को हुई। ये तिथि भगवान की प्रशस्ति पर अंकित है। साथ ही पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र का नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ हजारों श्रद्धालुओं के सम्मुख घोषित किया। तभी से ये तीर्थ गुणोदय तीर्थ के नाम से चर्चित हुआ। इसके बाद क्षेत्र का निर्माण तेजी से शुरू हुआ और 24 जून 2016 को पुनः संपूर्ण समवशरण को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शिला के हॉल में वेदी बनाकर विराजमान किया गया। वर्तमान में भी क्षेत्र पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ वर्ष भर भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजमान मूल नायक भगवान की अति विशिष्ट प्रतिमा जी की शांति धारा का विशेष महत्व है। यहाँ शांति धारा करने और करवाने वाले भक्तों के मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होते हैं। आप भी अपने स्वजनों सहित एक बार अवश्य पधारें श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय तीर्थ गुलगांव केकड़ी। महानुभाव अजमेर कोटा मेन हाईवे पे निर्यात पर समान जगत पूज्य मुनि पोंगो सोदागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली है। अजमेर कोटा मेन हाईवे पे केकड़ी के पास में गुलगांव गांव है जहाँ पे आदिनाथ भगवान का पूरा समोषण भूगर्भ से निकला है और यहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्य बहुत बड़ा विशाल काय पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। भव्य चौबीसी बन रही है और त्रिकाल चौबीसी के साथ साथ कीर्ति स्तंभ सहस्त्र जिनाले का यहाँ निर्माण चल रहा है। एक मूर्ति बिठाने का सौभाग्य हर परिवार करता है। हर आदमी की इच्छा होती है भगवान विराजमान करूँ तो वह सौभाग्य अर्जित कर सकता है। आप यहाँ पधारिए, यहाँ से नारेली 80 किलोमीटर, यहाँ से आवा 65 किलोमीटर और जहाजपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर रहने की और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र यहाँ राजस्थान की पहली प्रतिमा विराजमान है आदिनाथ भगवान की। जहाँ से भगवान निकले हैं वहीं पे भगवान का ये बहुत बड़ा विशाल का ये मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पे पत्थर से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था है और मेन हाईवे पर रगवा स्थान है। आप यहाँ आइए, पधारिए और अपने पुण्यार्जन करके अपना जीवन सफल कीजिए। जय जिनेन्द्र। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं मं हं सं तं तं वं वं मं मं हं हं सं सं तं 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 जं जं जिं जिं श्रीं श्रीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतजलेन जिन्वेषयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपया मिति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोऽर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय द द पद पद पजे पजे ओम नमो अर्हं जं जिं क्षीं हं सं जं वं हय स क्षं क्षीं क्षुं क्षें क्षे क्षोक् शोक् शं क्ष क्षीं रं रीं रुं रें रे रो रो रं र रं रीं द्रव्य द्रव्य नमोर्ते भगवते श्रीमते ठट अस्माकम। आज के तीर्थोत्सव विधान के पुण्याचक श्रीमान टेकम चंद जी, श्री संतोष जी, श्रीमती मधुबाला जी, श्री हरियंत जी, श्रीमती प्रिया जी, राकेश जी, मुकेश जी, ब्रह्मचारी कमलेश जी, आर्यम गुंजन अनर्घ धुंधरी वाले केकड़ी माता जी, श्रीमती मानी देवी के पुण्यतिथि पर
एम श्रेष्ठी श्रीमती तीर्थ विधान के पुण्याध्यक्ष स्वर्गीय ज्ञान चंद जी, अनिता जी, अशोक जी, इंदिरा जी, कैलाश चंद जी, सुनीता जी, सतीश कुमार जी, मयूर जी, गजेंद्र जी, संगीता जी, रोहित जी, अपेक्षा जी, महिनी जी, टीना जी, अभिनव जी, रक्षिता जी, संस्कृति, आशी, तत्वार्थ जैन, आरव, नयांत, मनन, प्रिया, प्रिंसा एवं समस्त राठा परिवार केकड़ी एवं श्रेष्ठ श्रीमान महावीर प्रसाद जी, पासवान जी, अशोक जी, महेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी, ऋषभ जी, आशीष जी, अनुपम जी, अजय जी, अखिल जी, महिमा, वीरा, वीर, तरु, गिनी, यामी, नेवा, महिमा, गुणांश, रोहन एवं समस्त अजेरा परिवार केकड़ी गुणांश के प्रथम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एवं नेहा का मंगल विवाह सानंद संपन्न हो एवं कमला देवी जी का स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रेष्ठ श्रीमान श्री मीठालाल जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, हर्षित कुमार जी, श्रीमती सिमला देवी जी, खुरेड़ा वाले टॉप पारिवारिक व्यापार वृद्धि हेतु श्रेष्ठ श्रीमान श्री कैलाश चंद्र जी, सुरेश कुमार जी, श्रीमती संजू सुरेंद्र जी, अनुभव पंकज देवली वाले जयपुर एवं अनुभव व पंकज की शैक्षणिक सफलता हेतु श्रेष्ठ श्रीमान महावीर प्रसाद जी, विनोद कुमार जी, रेखा देवी, आर्या, आरू, नेनवा, आर्या और आरू की शैक्षणिक सफलता हेतु श्रेष्ठ श्रीमान ताराचंद जी, सुधा देवी, सुनील जी, सीमा जी, रौनक, मिताली, ऐसे चांदन वाले केकड़ी मनोकामना पूर्ण हेतु एवं श्रीमती रजनी जी, तरुण जी, अनुराग जी, काला, अरविंद जी, अंकुर जी, आर्य जी, पार्टी परिवार मुंबई वाले श्री अभिनय जी, आबा जी, मेहती जी, विवेक जी, रवि जी, अविष्का जी, आयुष जी, संभव जी, अहमदाबाद वाले श्री पन्ना राज्य सरदार देवी, विवेक जी की कीजिए, आराध्य देवान जी, मेरा परिवार आगरा वाले श्री अक्षय कुमार जी, रेणु जी, अक्षांत, अक्षय जैन सह परिवार, अक्षय जैन यूपीएससी परीक्षा में सफलता है तो श्री प्रदीप जी, प्रीति जी, राकेश जी, रेखा जी, आशिका, दीपिका, साक्षी, आयुष, खुशी, पार्टनी, सुनीता, सीमा, भिमंडी, मुंबई, सूरत वाले श्री सुशील जी, सुमन जी, नवीन जी, रीना जी, अभिषेक, अन्नू, मयंक, सौम्या, अवनी, दिविशा जैन, पार्क सर्जन परिवार सोनीपत वाले श्री नरेंद्र जी साहब, श्रीमती सुदेश रानी जी, विपिन जी, संगीता जी, अभिषेक जी, रीति सिद्धि, सुदेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बहुचराज लखनऊ वाले, आंचल जी, वैभव जी, सुमित बिहार दिल्ली वाले श्री ओम प्रकाश जी, मुन्नी देवी, विनोद जी, ज्योति जी, मित्तल, नव व्यवसाय सफलता हेतु श्री ताराचंद जी, टीकम जी, मोनू जी, हर्षित जी, पुण्य जी, केकड़ी व्यापार लाभार्थी आरोग्यार्थम श्रेष्ठ श्रीमान श्री राकेश जी, सोना जी, बॉम्बे मूल नायक मंदिर अतिशीघ्र निर्माण हेतु श्री महावीर प्रसाद जी, पारसमल जी, अशोक जी, महेंद्र जी, अजगरा वाले केकड़ी सुख शांति समृद्धि हेतु सौहरता हेतु प्रतिभा जी के गर्भ शिशु की रक्षा हेतु भावी तीर्थ रक्षक हेतु श्री बसंत जी, कुसुम जी पलक कुलकित प्रिया इंदौर वाले श्री ताराचंद जी, सुधा देवी, सुनील जी, सीमा जी, रौनक, मिताली, अश्री चांदन वाले केकड़ी सुख शांति समृद्धि हेतु व्यापार बाधा निवारण हेतु अतिशय के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री सज्जन कुमार जी, संजय जी, युग जी, अभि जी, पांड्या केकड़ी वाले श्री भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, श्रीमती आशा देवी जी, सुशील जी, मेनका जी, भावी जी, अभिषेक, रीमा, लक्की जी, टीमा, तीर्थ किसान, जैन ज्वेलर्स वाले केकड़ी सह परिवार श्री महावीर प्रसाद जी, मुन्नी देवी, सुनील, अनिल, इंदु देवी, संजय जी, निशा, गीतांशी, पार्थक, चारवी जैन, मित्तल परिवार केकड़ी श्री महावीर प्रसाद जी, विपिन, सचिन, गदिया परिवार केकड़ी श्री प्रवीण कुमार जी, मीना, आयुष, पायल, दीपाली, नमोकार, प्रिंसा मित्तल केकड़ी जयपुर वाले श्रेष्ठ श्रीमती कंचन देवी जी, विमल जी, राजेंद्र जी, रमेश चंद्र जी, विकास जी, विद्यान जी, सुचका जी, जैन मेहरुकला वाले केकड़ी सभी गौवंश के लंपी रोग निवारण हेतु आरोग्यार्थम श्री संजय जी, पाटनी, निसराबाद, बुरहानपुर वाले आरोग्यार्थम व्यापार बाधा निवारण हेतु श्री महावीर प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, पारस जी, पीयूष जी, नितेश जी, आदित्य जी, आगम जी, अर्थव जी, जैन सह परिवार तालेरा वाले श्री कैलाश जी, मोहित जी, निर्मला जी, प्रियंका जी, मैत्री जी, कत्ते वाले कानपुर सह परिवार श्री लिपांशी जी, कुमावत आरोग्यार्थम एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती हेमलता जी, शरण कुमार जी के वंश वृद्धि हेतु पीपलू वाले केकड़ी एवं इंदा देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान गोविंद जी सरपंच सदारा वालों की मनोकामना पूर्ण हेतु राजनीतिक क्षेत्र में अपार सफलता हेतु श्रीमान सुरेश चंद्र जी जैन दरियागंज दिल्ली वाले कोर्ट केस में सफलता हेतु श्रीमान नवीन कुमार जी, श्रीमती अंजलि जी जैन बेंगलोर वाले मनोकामना पूर्ण हेतु श्री किरण प्रकाश जी, श्रीमती सुप्रिया गर्भस्थ शिशु की प्रसूति कार्य सानंद संपन्नार्थम श्रीमान मंगल कुमार जी, अंशु जैन के सहकुल गुड़िया होने पर आभार स्वरूप गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी एवं सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गांव भारतवर्षस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा प्रतिपालिकानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ॐ ह्रीं अस्तु प्रातः मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि।